यूपी का सियासी महासंग्राम अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। 7 चरणों के इस महासमर के प्रचार का शोर सोमवार को थम गया। राज्य में 7 चरणों में हो रहे चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में बुधवार को 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान खत्म होने से 48 घंटे पहले सोमवार शाम 5 बजे प्रचार समाप्त हो गया। आखिरी दिन तमाम राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। आखिरी दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के रोहनिया में रैली की और जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रैलियां की तो कांग्रेस सपा गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जनसभाएं की। 7वें चरण में जिन 7 जिलों में वोट डाले जाएंगे उनमें गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र और जौनपुर शामिल हैं। जिन 40 विधानसभा सीटों पर वोट पड़ेंगे वहां 1,41,00,000 से ज्यादा मतदाता कुल 535 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें 51 महिला उम्मीदवार हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या जहां 76,87,000 से ज्यादा है वहीं महिला मतदाता करीब 65,50,000 हैं। वाराणसी कैंट सीट पर सबसे अधिक 24 जबकि केराकट सीट पर सबसे कम 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान के लिए कुल 14,458 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। बीएसपी ने जहां सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं तो बीजेपी 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने 8 सीटें सहयोगी पार्टियों अपना दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के लिए छोड़ी हैं। समाजवादी पार्टी 31 सीटों पर और उसकी सहयोगी कांग्रेस 10 सीटों पर चुनाव मैदान में है। आरएलडी 21 सीटों पर ताल ठोक रही है। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी, बीएसपी और सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच तिकोना मुकाबला है। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए भारी सुरक्षा इंतजाम किए हैं। संवेदनशील और भीड़ भरे स्थानों की खास निगरानी होगी। अब सबकी नजरें मतदान पर हैं कि जनता क्या फैसला करती है। अश्विनी, अजय और विशाल के साथ न्यूज़ 9 डेस्क, डीडी न्यूज़।